इतना एनर्जी दिखाया, सबके बारे में तारुफ किया सबको, और इस एल्बम के बारे में क्या बोलो कि ये अभी तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पर तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीजन सिर्फ यही था हमारे पास कि हमारा गाना रिलीज हो चुका है सबसे पहले, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई है सभी को, टीम को। और दूसरी बात ये है कि ये गाना इतना अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये गाना ऑलमोस्ट लोगों ने अपने स्टेटस पे लगा रखा, जो भी हमारे सर्कल के लोग जुड़े हुए हैं, और अनु जी का काम, मेहुल जी का काम, मतलब हमारे इंटायर टीम का काम इतना ज्यादा पसंद आ रहा है लोगों को, लोग कह रहे हैं कि ये लोकेशन कहाँ है, मतलब ये लोकेशन ऐसा है कि आपको इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्री नजर आएगा, वो बैक टू बैक स्विच हो रहा है, सीक्वेंस स्विच हो रहा है, और उसके बाद कॉस्ट्यूम डिजाइन चेंज हो रहा है प्रॉपर। तो इसकी वजह से क्या हम लोग को बार बार इंक्वायरीज आ रही है, जितने भी लोग स्टेटस पे लगा रहे हैं गाने को देख रहे हैं, बहुत से लोगों को बहुत प्यार आ रहा है हम लोगों को, सबसे इंक्वायरी तो यह है कि ये लोकेशन कहाँ है, ये कॉस्ट्यूम किसने डिजाइन किया है, मतलब आपने एक नया अवतार दे दिया बिल्कुल, बहुत से सेलिब्रिटी बारिश की वजह से नहीं आ पाए, उन सबके बीच हमें आ चुके हैं, और जो भी मौजूद है ये मतलब कि एक कहते हैं दो चार लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी इतनी भरी बारिश में सब लोग इकट्ठा हो गए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि अनु जी इस पूरी म्यूजिक वीडियो के बारे में शेयर करें, कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका शूट के दौरान। आपने और नाज ने दोनों ने बहुत अच्छा उस दिन मेहनत किया, काम किया सारा, मुझे बहुत खुशी हुई इतना ओके सो बहुत खुशी हुई मुझे ये वीडियो कर, और सारा ड्रेस का सब सिस्टम जो आप लोगों ने मेरे लिए बना के रखा था, और फिर जब बाद में जैसे प्रेजेंट हुआ और मैंने देखा, मैं बहुत खुश हुई, थैंक यू वेरी मच। ये म्यूजिक वीडियो से मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी मैंने क्यों बनाया है, क्यों प्रोड्यूस किया है ये, मैंने क्यों एक्ट किया है अब, क्योंकि मेरा बीच में काफ़ी गैप हो गया था, जो मैं लोगों को ये जस्ट मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है कि मेरी ये री एंट्री है, मैं वापस आ गई, काम करूँगी और इसी तरीके के म्यूज़िक वीडियोस या वेब सीरीज़ जो भी अभी है ट्रेंड में वो करती रहूँगी, और आप लोग सब पसंद कीजिए प्लीज़, और मुझे बहुत खुशी होगी, थैंक यू वेरी मच आप सबकी मेहनत के लिए। डीओपी सर मिस्टर संतोष मुझे आपका नाम याद हो गया है, आपने बहुत बहुत मेहनत की उस दिन, मेहुल ने इतनी मेहनत की कि मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ी देर के लिए मेहुल बैठ जाए, क्योंकि हम लोग को धूप में खड़े खड़े बहुत बहुत पसीने गर्मी ऐसा हो गया था, सब ने बहुत मेहनत की इस म्यूज़िक वीडियो के लिए, थैंक यू वेरी मच अश्विन जी आप आए, थैंक यू सबके लिए, आप लोगों ने हमें यहाँ आके अभी आज ये बताया कि हम सब आपके साथ हैं, थैंक यू मेरी फ्रेंड के लिए, मेरी फ्रेंड आई है दिल्ली से इस स्पेशल फंक्शन के लिए, थैंक यू वेरी मच सबके लिए, थैंक यू। मतलब मैं इनसे वंस अपॉन अ टाइम मुंबई के बाद मिला था, क्योंकि उनकी मूवी वंस अपॉन अ टाइम मुंबई लेटेस्टली आई थी इमरान हाशमी के साथ में, तो बड़ा अच्छा रोल था इनका वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में इमरान हाशमी जी के साथ में, उसके बाद ही मुझे मुलाकात हुई, पर इनका फैन में धूम पिक्चर से था, और मैंने सोचा नहीं था कभी एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम लोग साथ में काम नहीं करेंगे। तो मेहुल जी के साथ में मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है ये, तो मैं कहूँगा मेहुल जी प्लीज बताए इस बारे में, अनु जी की जर्नी और इस गाने की जर्नी कैसी रही। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा, थैंक यू टू बी हियर। ये गाना बहुत ही प्यारा गाना है, फासले कम, वेरी रोमांटिक सॉन्ग, स्पेशली गाने को प्रोड्यूस किया अनु जी ने, और अनु जी कह रहे हैं कि वो कमबैक है, उनका कमबैक ऐसा लगा नहीं कि कहीं गैप हुआ है, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे आज भी वो शूट करके आए हो या चार साल बाद, कुछ ऐसा कोई डिफरेंट लगा नहीं, तो खाली अपने दर्शन में री एंट्री करनी वो सोच रहे थे ताकि लोगों को पता चल जाए कि वी आर इन मार्केट अगेन, और हमारा गाना हिट होकर है और हम आगे तरक्की करते हैं, थैंक यू वेरी मच।
और हमारे बीच राजकुमार कनौजिया जी, मैं चाहूंगा दो शब्द भी कहें। भाई अजहर हुसैन के बारे में जितना बोले उतने कम है, इनका जर्नी मैं बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ और ये सदैव तरक्की करते रहे हैं और इनकी तरक्की सबको दिखती आई है और इससे बेहतर आगाज क्या हो सकता है कि 3 मिनट में ये पूरी स्टोरी बताने में काबिल होते हैं और उनका साथ जो दे रहे हैं डीओपी, ये भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनकी भी जर्नी मैं तब से जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब से मैं इनको जानता हूँ और दोनों वाकई खूब तरक्की कर रहे हैं और ईश्वर करे ये इतना तरक्की करे। और ये तो बात एक म्यूजिक वीडियो की है और म्यूजिक वीडियो से सफर एक बड़े वीडियो का हो और फीचर फिल्म के रूप में आपके सामने आए बहुत जल्द, यही चाहूंगा। भाई हाय और सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे अजहर भाई के इस इवेंट में आए और चार चांद लगाए आपने और जैसा कि इन्होंने बताया इस प्रोजेक्ट के बारे में तो इनका हार्ड वर्क है। धूम फर्स्ट में था मैं, अनवर हटेला, तो मेमोरीज हैं। अब बैक टू अजहर, तो अजहर को भी बहुत सालों से जानता हूँ और जो इसका हार्ड वर्क है वो जब निकल के उसका फल ही नहीं मिल रहा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऊपर वाले से मेरी यही कामना है ऐसे दिन दुगने रात चौगने कामयाबी हासिल करें। मेरे को नहीं पता था, अभी पता लगा थोड़ी देर पहले, ये हमारी भाभी जान है तो भाई जैसे इनको संभाल रहे हो औरों को भी संभालो, सबको केयर करो, अपनी छत्र छाया में सबको आगे लेके आओ और ऑल द वेरी बेस्ट टू द टीम एंड थैंक यू वेरी मच। ये जो वीडियो फिल्म जिसके जो शूट किया है जैसे यशराज चोपड़ा जो शूट करते थे उसी तरह से यूपी ने शूट किया है और डायरेक्शन ने अजहर भाई ने इसका डायरेक्शन और मेरी तरफ से सबको मेरी बहुत बहुत जी को भी मैं थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने मुझे इस एल्बम के लिए चुना और हमने काफ़ी मेहनत की और लोगों को बहुत पसंद भी आया और मैं हमारी सारी टीम को वापस एक बार शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही आगे जाके जर्नी हमारे चलते रहे, काम करते रहे, मेहनत करते रहे और आपका आशीर्वाद सबका हमारे पर है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू सो मच कहूँगी कि आप यहाँ तक आए अपने बेस्ट विशेष देने के लिए एंड सेकेंडली कि जिस किसी ने भी हमारा सॉन्ग देखा सबकी तरफ से सेम रिव्यू वाओ एंड टीम फासले कम के लिए तो बहुत सारी मुबारकबाद एंड थैंक यू सो मच कि सबने एक यूनिट एक होकर जो काम किया है जैसे अभी अनु जी बता रहे थे कि तपती धूप में काम किया है तो वो जो हमारी मेहनत निखर के आई है स्क्रीन पर आप सब देख ही रहे हो, पसंद कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना साथ और दुआएं हमारे लिए बनाए रखे कि हम इसी तरह कुछ नया आपके लिए लेकर आए। हमारा भी बड़ा लाडला है, अनु जी का भी बहुत लाडला है तो हमारे बीच में है मौजूद, तो मैं लाडला नहीं मेरा बेटा है ये। वाओ, ये अनु जी के बेटे हैं और मेरा भाई है, मेरा भाई से बढ़कर है मेरा ये, हमेशा स्टैंड रहता है जब भी मैं कुछ काम करता हूँ, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। और जैद भाई भी हमारे बीच में है, एक्टर जैद खान, प्लीज जरूर आप भी स्टेज पे जरूर आइए जैद भाई। और आज जैद का बर्थडे भी है, आज जन्मदिन है जैद। एक बेटा और बैठा हुआ उसको भी बुला, थैंक्स कह दिया है फोन पर अभी हम चाहेंगे अभी बोले। सबसे पहले तो सारी टीम को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन है दिल से, असर बहुत अच्छा ऑसम सॉन्ग है, मैंने देखा अनु जी आपने बहुत अच्छा काम किया, भाई ने भी और वाकई में सॉन्ग असर ने बहुत अच्छा शूट किया, आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखें। और मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेष है, बहुत खुशी की बात है मेरी कि मेरी को स्टार अनु जो मेरी फिल्म में थी भाग कहाँ तक भागेगा और अभी खुद प्रोड्यूसर बन गई, तो वैसे भी एक प्रोड्यूसर अगर जिंदा होता है तो कितने घर के चूल्हे जलते हैं सब जानते हैं, तो एक प्रोड्यूसर के लिए जोरदार तालियां, हमेशा ऐसे प्रोड्यूसर पैदा करते रहे और आगे बढ़ते रहे लोग और हम सब मिलकर काम करते रहे एक टीम में। थैंक यू गाइस। अजहर भाई यहाँ देखिए। हाँ भाई, अरे सर वजन इस तरह पटेल चलिए।
बैक टू बैक उनके एल्बम्स आ रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स आ रही हैं। इस एल्बम में मेरे और भाई मेहुल भाई, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे कि अगर आप लोगों ने एल्बम देखा है और अगर नहीं देखा है तो बहुत बड़ा गुनाह किया आप लोगों ने। तो भाई देखने वाले अभी, अभी देखने वाले एकदम अभी देखना है और इसको अपने अपने फोन में भी देखना है और फिर शेयर भी करना। एल्बम है ये बहुत पहले पहले मुझे शेयर किया था और मुझे भी पता था कि आज इस पार्टी में मैं रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मुझे ना बुलाए, बहुत बड़े लोग ज्यादा आएंगे तो हमारी इसमें लुक लाइक की क्या गिनती है। जितने भी मेरे फ्रेंड्स सब मेरे कहने से आज आ गए, मैं बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ मनीष जी, प्लीज सर आपको, आपने मेरा एक कॉल सुनते ही कहा मैं जरूर आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सबको। मेरी फ्रेंड दिल्ली से आई है स्पेशल मेरे ये डे के लिए, सागर जी, रामा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेरी टीम के लिए, सब ने बहुत अच्छा काम किया और मेरी री एंट्री की जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत काम करती ही रहूँगी आगे। और थैंक यू वेरी मच आप सुनील पाल जी, आपके लिए इतना अच्छा बोलते हो, सबको हंसाते ही रहते हो, थैंक यू। और मेरी तरफ